उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में पुनर्जन्म का एक मामला सामने आया है। यहां ओंचा थाना क्षेत्र के गांव नगला सलेही निवासी प्रमोद कुमार गुरुवार को उस वक्त हैरान रह गए जब घर पहुंचे एक 8 साल के मासूम ने उन्हें पिता कहकर बुलाया। प्रमोद पहले तो कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन जब मासूम ने बताया कि नहाते वक्त उसकी नहर में डूबकर मौत हो गई थी, इतना सुनते ही प्रमोद और उनकी पत्नी ने मासूम को गले लगा लिया और अपने मासूम की मौत का दुख झेल रही दुखियारी माँ और बेबस पिता की आंखें छलक आई। प्रमोद कुमार ने बताया कि उनके पुत्र रोहित की 13 वर्ष की उम्र में वर्ष 2013 में नहर में डूबने से मौत हो गई थी। उनके इकलौते बेटे की मौत के बाद वह बेटी के सहारे ही जीवन बिता रहे थे। उनका बेटा माध्यमिक विद्यालय सलेही में पढ़ता था। आसपास के लोग भी बच्चे की पुनर्जन्म की बातें सुनकर हैरान थे। उसने जो कुछ भी बताया ग्रामीणों के अनुसार वो सब सही है। इलाके में ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। मासूम को साथ लेकर गांव पहुंचे नंगला अमर सिंह निवासी राम नरेश ने बताया कि 8 वर्ष पूर्व उनके घर बेटे का जन्म हुआ था और उसका नाम चंद्रवीर रखा गया था। जब वह बोलने लगा तो अपने पुनर्जन्म की बातें उन्हें बताने लगा। वह अक्सर गांव नगला सलही आकर माता पिता से मिलने की जिद करता था, लेकिन वह बेटे को खोने के डर की वजह से उसे साथ नहीं ला रहे थे। अब वह बच्चे की जिद के आगे मजबूर होकर उसे गांव लेकर पहुंचे। मासूम के पुनर्जन्म की बातों को सुनने के लिए लोगों की भीड़ वहां एकत्रित हो गई थी। इसी बीच वहां से नगला सलही विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुभाष यादव आ गए। उन्हें देखकर मासूम ने उनके पैर छूकर उन्हें नाम से संबोधित किया। प्रधानाध्यापक सच जानने के लिए बच्चे को विद्यालय ले गए तो उसने पूर्व जन्म में अपनी कक्षा के बारे में भी बताया। चंद्रवीर, आप नगरिया सलेही में कनम जब पढ़ते थे तो आपको कौन पढ़ाता था? सुभाष मास्टर। सुभाष मास्टर क्या पढ़ाते थे आपको? गणित और हिंदी। अच्छा, आपने उनको पहचान लिया? हाँ। कैसे पहचान लिया? वो गली में गली करके जा रहे थे, पहचान लिया। अच्छा, आपने पहचान लिया। पहले कभी नहीं मिले थे उन्हें? अभी इस जन्म में? हाँ। इस जन्म में मुलाकात हुई थी आपकी? आज हुई। आपका जो बेटा जिसे पहले की जन्म की याददाश्त थी, तो आपने इसको वहाँ जाने क्यों नहीं दिया? भैया मैं तो डर लगा था, मैंने तो दमकाया था, मैंने सही बताया। अच्छा अच्छा, अब नहर की क्या, तुम नहर में गिर जाएंगे तो फायदा का बची इसे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो से ना जान दो मैं तो। अब आप क्या करना चाह रही हैं? अब जे मतलब इनको रिश्ता जरूर आएंगे जाएंगे, आप आते जाते रहे और घर। और मान के चलिए उनकी माँ ने, पहली वाली माँ ने कहा कि हमें लड़का, हमें अपना बच्चा चाहिए, ये तब क्या करेंगी? तो आते जाते रहे, बच्चा देंगी नहीं? बच्चा नहीं देंगे? अपने पुनर्जन्म के माता पिता के पास वह बेहद खुश नजर आया और उन्हें कई बातें बताई जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, Time24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।